मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर से बीएड सेकेंड ईयर से पेपर सी टेन इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से लास्ट क्लास हम लोग चैप्टर फोर्थ देख रहे थे और इसी चैप्टर फोर को कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रोल ऑफ हेडमास्टर अर्थात प्रधानाध्यापक की भूमिका। आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है रोल ऑफ हेडमास्टर अर्थात प्रधानाध्यापक की भूमिका एक विद्यालय में क्या है और पूरे विद्यालय तंत्र के लिए क्या है। तो अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य की स्थिति है ठीक उसी प्रकार एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की स्थिति है। वो इसलिए चूंकि सौरमंडल में सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं और कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के इर्द गिर्द ही शिक्षकगण और सारे कर्मचारीगण विद्यार्थी और पूरा एजुकेशन सिस्टम एक प्रधानाचार्य के इर्द गिर्द काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेडमास्टर की भूमिका या प्रधानाध्यापक की भूमिका अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। चूंकि विद्यालय को सही रूप से चलाने का कार्य एक कुशल प्रधानाध्यापक ही कर सकता है और वही करता भी है, ठीक उसी प्रकार अगर एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जगह को रिक्त कर दिया जाए तो वह विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। चूंकि विद्यालय का हर एक काम हर एक कार्य प्रधानाध्यापक के हाथों होता है, वह चाहे विद्यालय का रूटीन हो या शिक्षक कर्मियों की वेतन हो या विद्यालय का नियम कानून हो, विद्यालय को कब कहां क्या कैसे करना है वह कौन तय करता है, वह एक प्रधानाध्यापक तय करता है। इसलिए प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक विद्यालय को सही व सुचारू रूप से चलाने का कार्य प्रधानाध्यापक ही कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक की भूमिका इसलिए भी है क्योंकि एक प्रधानाध्यापक कुशल नेतृत्वकर्ता होता है अर्थात वह विद्यार्थियों को शिक्षक कर्मियों को वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है और करता है, इसलिए प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्व हो जाती है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक की व्यक्तित्व अनुभव उसकी योग्यता तथा उसकी कार्य क्षमता के कारण वह अपने विद्यालय को सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकता है अर्थात एक प्रधानाध्यापक ही अपने विद्यालय को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां पे उसे उस विद्यालय को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो वह उन ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएगा, तो एक प्रधानाध्यापक अपने कुशल नेतृत्व व्यक्तित्व क्षमता अनुभव अपनी योग्यता तथा अपने कार्य क्षमता के द्वारा अपने विद्यालय को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जा सकता है। फिर हम आते हैं कि एक प्रधानाध्यापक प्रशासक के रूप में भी काम करता है। प्रशासक से तात्पर्य है वह सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उसका टर्म्स है वो पूरा करता है, अपने विद्यालय में संगठनकर्ता का काम करता है, संयोजक का काम करता है। संगठनकर्ता से तात्पर्य है अपने विद्यालय को संगठित करता है, सारे जितने भी काम करने वाले हैं उनके विद्यालय में उन सबों को संगठित करता है, उनको संयोजक के रूप में काम करता है अर्थात उनको प्रोटेक्ट करता है और पर्यवेक्षक और निरीक्षक का भी काम करता है अर्थात देखता है कि कहां कमी हो रहा है हमारे सिस्टम में कहां कमी नहीं हो रहा है, तो वह भी पर्यवेक्षक का काम और एक प्रधानाचार्य करता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक की भूमिका इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वह एक निर्देशक और परामर्शदाता भी है। चूंकि निर्देशक अथवा परामर्शदाता से तात्पर्य है कि वह अपने
विद्यार्थियों को वह अपने शिक्षकों को अच्छा से अच्छा परामर्श देता है ताकि उनके उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो सके और वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। चूंकि विद्यालय समाज का ही छोटा सा रूप है तो प्रधानाध्यापक कहीं ना कहीं समाज का नेता भी होता है। चूंकि एक विद्यालय में सारा का सारा सिस्टम एक प्रधानाध्यापक के हाथ में होता है, इसलिए प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, वह है विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व, अर्थात विद्यालय प्रशासन में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व, अर्थात उसका पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस। एक प्रधानाचार्य का विद्यालय के प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत उसका पोजीशन क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या, हम लोग उसको देखेंगे। तो उसको हम लोग बिंदुवार देखते हैं, जिसमें पहला बिंदु है विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति केंद्रीय स्थिति है। तो एक विद्यालय में, चाहे वो विद्यालय कोई सा भी हो और किसी भी टाइप का हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, उस विद्यालय में हमेशा प्रधानाचार्य की स्थिति केंद्रीय स्थिति में होती है, अर्थात सेंट्रल पोजीशन में होती है। किसी भी विद्यालय में प्रधानाचार्य बीच में स्तंभ की तरह होता है और उनके इर्द गिर्द शिक्षक कर्मी, विद्यार्थी, अभिभावकगण और जो भी काम करने वाले हैं विद्यालय के साथ मिलकर, वे सब उनके इर्द गिर्द काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में सूर्य की भांति विद्यालय में एक प्रधानाचार्य की स्थिति होती है, जो केंद्रीय बिंदु पे निहित होती है और सारे ग्रह नक्षत्रों की जैसे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के इर्द गिर्द सारे लोग काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है वह है विद्यालयी नेता, लीडर ऑफ द स्कूल। एक हेडमास्टर हमेशा अपने विद्यालय का नेता होता है। नेता इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता है, अर्थात वह अपने विद्यालय का मालिक होता है, इसलिए उसे अपने विद्यालय का नेता कहा गया है। उसके विद्यालय में कोई भी कार्य हो, ऑफिशियल कार्य हो तो या अपना अनौपचारिक रूप से कार्य करने वाला हो तो, वो सब कार्य कौन देखता है, वो सब कार्य एक प्रधानाचार्य ही अपने विद्यालय में देखता है। थर्ड पॉइंट जो है वह है संयोजक या एकीकरण का साधन। यहाँ संयोजक या एकीकरण के साधन से तात्पर्य है कि एक प्रधानाचार्य हमेशा कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम करती है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी से तात्पर्य है कि वह सारे लोगों को एक सूत्र में बांध के चलती है, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक या प्रबंधक समिति जो होती है, वो सब के सब प्रधानाचार्य के अंतर्गत ही आके काम करते हैं और उनका एकीकरण या उनको एकीकृत करने का काम, या हम कह सकते हैं कि उनको इंटीग्रेटेड करने का काम कौन करता है, विद्यालय में एक प्रधानाचार्य ही करता है। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि एक प्रधानाचार्य संयोजक या एकीकरण का साधन है। साधन से तात्पर्य है कि वह एक व्यक्ति है जो अपने विद्यालय प्रशासन में सारे लोगों को एकत्रित करने का काम करती है। और लास्ट है इसमें कि एक प्रधानाचार्य हमेशा एक प्रेषक स्थान, अर्थात डिस्पैचिंग स्टेशन का काम करती है। क्योंकि विद्यालय में कोई भी सूचना का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानाचार्य के माध्यम से होता है। हम लोग भी अपने कॉलेज की अगर हम बात करें शिशी परिवार की, तो वहां पे हम लोग भी देखते हैं कि कोई भी लेटर जो टाइप होता है, ऑफिशियल लेटर या नॉन ऑफिशियल लेटर, उसपे सिग्नेचर किसका होता है, उसपे सिग्नेचर हमारे प्रिंसिपल सर का होता है। क्योंकि हमारे कॉलेज के वो स्तंभ है और ये सारा कार्य उन्हीं के अंतर्गत आता है। कोई भी सूचना का आदान प्रदान करना होता है तो वो कौन करता है, हमारे प्रिंसिपल सर ही करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहीं भी देख सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में कोई भी सूचना का आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ वहां के प्रधानाध्यापक के हाथों ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व तो क्या है। हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की स्थिति और महत्व क्या है।
ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्थिति एवं बाल को क्या है। तो हम लोग चार बिंदुओं को निर्धारित करके ये बता सकते हैं कि विद्यालय प्रशासन में एक प्रधानाचार्य की स्थिति एवं महत्व क्या है, अर्थात पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ हेडमास्टर इन अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो हम लोग देखे हैं वह है विद्यालय प्रशासन में प्रधानाचार्य की केंद्रीय स्थिति, अर्थात किसी भी विद्यालय में एक प्रधानाचार्य की स्थिति केंद्र में होती है। केंद्र से तात्पर्य है कि जैसे सौरमंडल में सूर्य की स्थिति है केंद्र में और सारे ग्रह नक्षत्र उसके किनारे चक्कर लगाते हैं, वह ठीक वैसे ही एक प्रधानाचार्य की स्थिति उसके विद्यालय में होती है और सारे के सारे शिक्षककर्मी, विद्यार्थी और जो भी प्रबंधन समिति में है और या जो भी अभिभावक है वो सब के सब प्रधानाचार्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है विद्यालय नेता, लीडर ऑफ द स्कूल। चूंकि विद्यालय समाज का एक छोटा सा अंग है तो वहां पे उस विद्यालय में सबसे ऊपर कौन रहता है, प्रधानाचार्य रहते हैं और उस हिसाब से एक प्रधानाचार्य हमेशा अपने विद्यालय का नेता होता है। नेता इसलिए चूंकि अपने विद्यालय का सारा काम, जो ऑफिशियल काम हो या नॉन ऑफिशियल काम हो, वो सब का सब कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानाचार्य के हाथों संपन्न होता है। थर्ड जो है वह है संयोजक या एकीकरण का साधन। एकीकरण से तात्पर्य है कि उनको कोऑर्डिनेट करना या कोऑर्डिनेटिंग करना या इंटीग्रेट करना। तो हम कह सकते हैं कि अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य ही वह शक्ति है जो अपने सारे तंत्र को एकीकृत करके एक माला में पिरोता है और उनसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने का काम करता है। आउटपुट से तात्पर्य है उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का काम करता है। तो एक प्रधानाचार्य हमेशा संयोजक या एकीकरण का साधन होता है, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। कौन है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, एक प्रधानाध्यापक, क्योंकि वो टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं उन सबको एकीकरण के द्वारा उन सबको एकीकृत करता है। इसलिए प्रधानाचार्य की स्थिति अपने विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लास्ट है वह है प्रेषक स्थान, अर्थात डिस्पैचिंग स्टेशन। डिस्पैचिंग स्टेशन से तात्पर्य है क्योंकि किसी भी विद्यालय में सूचना का आदान प्रदान हमेशा प्रधानाचार्य के माध्यम से ही संभव है। वह सूचना चाहे शिक्षकों के लिए हो, वह सूचना चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, वह सूचना चाहे मैनेजमेंट समिति के लिए हो या मैनेजमेंट कमेटी के लिए हो, वो सब कहां से डिस्पैच होता है, वो सब डिस्पैच होता है प्रधानाचार्य के माध्यम से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। थैंक यू।